एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने उसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर ना हुआ और लोग मरते रहे मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध की उस कुएं में डाला जाए तो अगली सुबह यह महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो दूध डालेंगे ही कुएं में, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला क्योंकि महामारी समाप्त ही नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर देखा और इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी दूध कुएं में डाला ही नहीं। मित्रों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं तो पूरे देश में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज ज़रूरत है। धन्यवाद।